मन क्यों राजा मदन सैन उस चंद्रकिरण के फोटो को देख लेता है और आखिर में फोटो ने अपने साथ में लेके और चंद्रकिरण की खटक में अपना राजपाट घर बार सब कुछ छोड़ के कहां के वहां से निकल लेता है। ये बताते श्रोताओं वो राजा मदन सैन चलता रहा और आखिर में चलता चलता एक बाबा जी के धुने पे पहुंच जाता है। जाके बाबा को प्रणाम करा, हरने वाला बाबा जी मेरे कान पार ले, बहुत घना दुख पाया मैं, अरे मेरी तृष्णा पूरी कर दे, निवासा करके आया मैं। ये बताते कि उस दिन से राजा मदन सैन बाबा मदन सैन बन जाते हैं और आखिर में कहा के कंचनपुर शहर में पहुंच जाते जहां पर कौन क्यों चंद्रकिरण रहती थी। वहां जाके एक बुढ़िया से एक ताई से संपर्क करा और जाकर फोटो दिखाया के ताई इस फोटो वाली का मेल बता दे। अब वो ताई नाटकी बोला, भाई मैं कोना जानती इसने कौन कड़े की है। बोला ताई तू जाना है लेकिन तू डरती नहीं बताती। इतना कुछ होने के बाद में राजा मदन सैन ने कुछ लकड़ी इकट्ठी करके एक छता बना ली और जाकर छता पर बैठ गया। बोला ताई देख ले तेरे सामने दो काम है, हर दो में तय कर दे। और कैसे हो राजा मदन सैन उस ताई को क्या कहता क्या होता भला।
गरीब हो और तू मेरे पर काम ना करवावे, और जब चंद के लिए कुछ बात का पता चले तो मेरा जन्म बच्चा को लूम कर पिलवा देगी। ताई सा कुछ मत ना मानना मने, और कैसे वो ताई के कर लगी।